अकबर महिलाओं को सस्ती चीज समझता था और इसी वजह से उसने भारत की एक रानी को सोने का पिंजरा भेजा था और कहा था कि महिलाओं को तो महल के अंदर ही रहना चाहिए। तब ये सुनकर उस रानी ने जो जवाब अकबर को दिया था उससे अकबर तिलमिला उठा। जी हाँ, उस रानी का नाम था रानी दुर्गावती, जो गंडवाला की एक वीरांगना थी जिसने दशकों मुगलों और अकबर की नाक में दम करके रखा। महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज से पहले मुगलों को कोई चुनौती देने वाला शासक था तो वो थी रानी दुर्गावती। साल 1524 में दुर्गा अष्टमी के दिन जन्म होने की वजह से उनका नाम दुर्गावती रखा गया था। जैसे माँ दुर्गा अपने भक्तों को ख्याल रखती थी, वैसे ही रानी दुर्गावती अपने प्रजा का ख्याल रखती थी। शादी के 7 साल बाद उनके पति का निधन हो गया था तो अगले 16 साल रानी दुर्गावती ने शासन किया और मुगलों के 2 हमलों को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद जब उनका 3रा हमला हुआ तो अचानक एक तीर आकर रानी की आंख में लग गया। लेकिन उन्होंने खुद को दुश्मनों को जिंदा पकड़ने नहीं दिया और अपनी खुद की कटार अपनी छाती में उतार कर बलिदान दे। माँ भारती की ऐसी भी अंगना को हम सत्सत नमन कर।